मैं तुम्हें समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन के आ जाए, ठीक है, अब अगर तुम एफ ऑफ एफ एक्स लो, एक बार कंपोजिशन लो, तो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स की जगह के एफ के बी के आ जाएगा। या तो तुम कोई भी एक्स डालोगे वो तो के ही आएगा। अगर तुम एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ, इसमें एफ एक्स की जगह पे के डालोगे तो एफ के हो जाएगा। फिर एफ के क्या होगा, के हो जाएगा, तो एफ ऑफ एफ के, फिर एफ के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब कि कितनी बार भी तुम कंपोजिशन ले लो कांस्टेंट फंक्शन का, वो सेम फंक्शन आ जाएगा। तो एन टाइम्स का कंपोजिशन है तो ये भी वन आ जाएगा, तो आंसर वन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई आर इज इक्वल टू 1 to 50, 1 0, 2r-1 एंड 1, इसका वैल्यू निकालो। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करके देख, मुझे बताया नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ सॉल्व। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन टू है, देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन टू देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 0, 2r-1 1, तो बोल रहा है ये तो गिवन है, बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, पाई आर इज इक्वल टू 1 to 50, इसका वैल्यू निकालो। पाई का मतलब आप समझते होगे, प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू मान लो, इसका मतलब क्या है, ये इसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है 1 0, आर का वैल्यू मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 2-1 1 1 1 1, ये आर का वैल्यू 1 लिया, फिर आर का वैल्यू 2 लो, मल्टीप्लाई करो, 1 0, 2 लोगे तो 4-1 3 1, ऐसे कर करके आर का वैल्यू तुमको क्या डालना है, 1 0, 50 डालना है, 100-1 99/1। इस इतने मैट्रिक्स का ये जो 50 मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका प्रोडक्ट लेना है, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे तो कॉमन सेंस है कि ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि आर का वैल्यू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ऐसे करके 50 मैट्रिक्स डालेंगे, और 50 डालने के बाद क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई आम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर मजाक तो नहीं चल रहा है, कोई पागलपंती तो चल नहीं रही हमारी कि इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोई ट्रिक लग रहा होगा। ट्रिक क्या लग रहा होगा, बहुत आसान है, तुम ए मैट्रिक्स को कैलकुलेट करो आर इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, 2r-1 1, बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, चलो यहाँ पे प्रेस पेज में यूज़ करता हूँ, ए चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन टू, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 0, 2r-1 1, एंड हमें क्या चाहिए, r इज इक्वल टू 1 to 50, तो 1 2r-1 1, इसका सॉरी 0, ये चाहिए वैल्यू, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, a का को सबसे पहले कैलकुलेट किया r इज इक्वल टू 1 पे, तो ये हमें क्या मिल गया, तो ये हमें मिल गया 1 0 1 1, ठीक है। फिर ए को कैलकुलेट किया आर इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर कैलकुलेट किया तो क्या मिल गया, 1 0, 4-1 3 1, ठीक है। अब हमने ए आर इज इक्वल टू 1 into a आर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 1 0 1, और ये क्या हो गया, 1 3 0 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 into 1, ये 1 into 1 और 0, तो ये 1 हो गया। फिर ये क्या होगा, 3+1 4, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 square, ये क्या हो जाएगा, 0 into 0 0, ये क्या हो जाएगा, 0 into 1 1, तो तुम्हें समझ में आया, इतना ही से हिंट मिल गया हमें। अगर हमने क्या किया, r का वैल्यू 2 तक ले गए तो हमें क्या मिल गया, 2 square मिल गया। चलो एक और करके दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, ए आर इज इक्वल टू 1 into a r इज इक्वल टू 2 का वैल्यू है 2 पर, अब a निकालो r इज इक्वल टू, चलो एक और करके दिखा दे रहा हूँ, तो 3 पर निकालेंगे तो क्या हो, 1 0, 6 3 2 6-1 5, फिर ये 1 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, a r इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट किया, इंटू a r इज इक्वल टू 2 पर, इंटू a r इज इक्वल टू 3 पर कैलकुलेट किया, तो ये हमें क्या मिल गया, इसका वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ये निकाल रखा है, 1 0, 2 स्क्वायर 1,
सॉरी मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी हो गई, तो 1501 इसको मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 × 4 × 0, तो ये तो 1 ही हो गया, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 5 + 4 9, तो 9 को क्या लिखा 3 square, और मल्टीप्लाई करोगे 01 आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है क्या कि अगर हमने r इज इक्वल टू 1 लिया, r इज इक्वल टू 2 लिया, r इज इक्वल टू 3 लिया, तो क्या मिल गया, 3 तक r का वैल्यू 3 तक रख के उसको मल्टीप्लाई किया तो 3 पे स्क्वायर आ गया। तो अगर इसको तुम कंटिन्यू करोगे 50 तक रख के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 50 square, एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। ये मैंने पूरा करके दिखा रखा है, देखो ये सब कैलकुलेट किया है, लास्ट में ये आंसर आ जाएगा 50 square। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया।